नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार होता है उससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो भारत और रशिया दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये कहीं ना कहीं भारत और रशिया की जो दोस्ती है उसको और बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी। आइए समझते हैं कि इससे भारत और रशिया के रिश्ते और आगे कैसे बढ़ेंगे, भारत की ग्रोथ में ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, भारत की जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात इससे चाइना पे क्या असर पड़ेगा, चाइना, रशिया और इंडिया इन तीनों के आपस में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों, आइए समझते हैं अब पूरी न्यूज को विस्तार से कि ये न्यूज है क्या। दोस्तों, दरअसल रशिया की एक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो एक बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसने मुंबई में एक अपना सेकंड ऑफिस ओपन करने जा रही है। वो इससे पहला ऑफिस उनका दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, ये सेकंड ऑफिस जो ओपन होने जा रहा है, इसकी आप मतलब इम्पोर्टेंस ऐसा समझ लीजिए कि जो ये रशिया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसने पूरी दुनिया में करीब 100 देशों में 100 से ज़्यादा ऑफिस खोल रखे हैं, मोर देन 100 कंट्रीज हैं, 100 से ज़्यादा कंट्रीज में 100 से ज़्यादा ऑफिसेज खोल रखे हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी कंट्री में एक ऑफिस से ज़्यादा कहीं नहीं खोला है। भारत पहला देश होने जा रहा है जहां पर ये अपना दूसरा ऑफिस खोल रहा है। इट मींस कि आप ये समझ लीजिए कि भारत की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। रशिया समझ रहा है कि भारत की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, भारत में ग्रोथ पोटेंशियल है, भारत की जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चल रही है। इट मीन्स कि रशिया अगर अभी भारत के साथ जुड़ जाएगा तो वो बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ा ले जाएंगे। दोस्तों, ये अब समझते हैं कि ये इसमें फ़ायदा कहाँ पर है, क्या है। दोस्तों, अगर भारत और रशिया के बिज़नेस की बात करें तो ये 2021 जो फाइनेंशियल है 2021 था, उसमें जो भारत और रशिया का जो बिज़नेस था वो $8 बिलियन के आसपास था, $8.13 बिलियन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसका जब आया तो ये जो इट मीन्स कि जो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर था, वहाँ पर इनका जो बिज़नेस था वो $13 बिलियन का हो गया, मतलब बिज़नेस बढ़ा। उसके बाद अगर अभी 2023 दिसंबर तक की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दिसंबर तक के डेटा की बात करें, तो भारत और रशिया का जो बिज़नेस है $50 बिलियन क्रॉस हो चुका था। अभी हालांकि पूरा ये डाटा आया नहीं है फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन $50 बिलियन जब ये दिसंबर तक हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि $60 बिलियन ये मार्च तक में कंप्लीट कर देगा। और भारत ये चाहता है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो बिज़नेस होता है ये करीब $100 बिलियन का हो, भारत की ऐसी चाहत है। लेकिन इसमें एक और दिक्कत वाली बात है, भारत रशिया से ज़्यादा चीज़ें परचेस करता है, उसको एक्सपोर्ट कम करता है, लेकिन इसमें भी कुछ भारत के लिए फ़ायदेमंद है। इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ता है जो भारत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसका इससे एक भारत को फ़ायदा भी है। दोस्तों, आइए समझते हैं फ़ायदा कैसे। दरअसल भारत रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, रशिया डॉलर का यूज़ नहीं कर पाता है, तो जब डॉलर का यूज़ नहीं कर पाता तो अब हमने बिजनेस रशिया के साथ रुपी और रूबल में करना स्टार्ट किया है। रुपी भारत का करेंसी है और रशिया की करेंसी का नाम है रूबल। तो अब जब हम पेमेंट करते हैं रुपए में रशिया को, तो रुपया वो रख लेता है रशिया, अब वो तो उसके किसी काम का नहीं, करे तो करे क्या, रुपये को कहाँ लेकर जाए। तो वापस से रशिया के पास ये मजबूरी आ जाती है कि उस रुपए को इंडिया में ही इन्वेस्ट कर दे या भारत से किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर ले, मतलब वो हमारी कोई ना कोई चीज़ खरीदे और फिर जो उसके पास रुपया पहुँचा उसको वो पेमेंट कर दे। ये तो दोस्तों एक चीज़ रही। दूसरी चीज़, वो जब पैसा इन्वेस्ट होता है भारत में, तो वो जब पैसा इन्वेस्ट हुआ तो वो भारत की ही इकॉनमी में लग गया, कहीं ना कहीं वो जॉब क्रिएट करता है हमारे लिए, और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रह गया, बाहर गया नहीं। तो एक ये भी फ़ायदा है दोस्तों। और फिर समझते हैं कि अभी जो इन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट की, अपना ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं मुंबई में, इसके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो स्पोक पर्सन है, जो हेड है, वो कैटरिन उनका नाम है, उन्होंने बोला है कि जो भारत की ट्रेड डेफिसिट है उससे भारत को फ़ायदा होगा। अभी जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है इंडिया का, वो ट्रेड डेफिसिट कम होगा। ऐसा दूसरे जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये मानना है कि जब
बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया और रसिया का, तो उससे ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगी इंडिया की। मतलब कहीं कुछ ना कुछ हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, जो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को, ये और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेंगे। अच्छा दोस्तों, बिजनेस की ही बात हो रही, तो अब ये तो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि इंडिया और रसिया का बिजनेस कैसे होता है, $8 बिलियन, $13 बिलियन, $50 बिलियन। लेकिन अब हम सिर्फ रसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रसिया टोटल जो अपना एक्सपोर्ट करता है अलग अलग कंट्रीज़ को, तो अगर हम बात करें 2021-22 की, तो रसिया ने जो भी अपना एक्सपोर्ट करता था वो इंडिया के साथ उसका 250% इंक्रीज़ हुआ है बिजनेस। इंडिया ही ऐसा कंट्री है, बाकी अगर चाइना की बात करें तो वो भी ओनली 25% का बिजनेस बढ़ा था। तो भारत के अंदर पोटेंशियल बहुत है, रसिया को भी दिख रहा है कि भारत के साथ अगर बिजनेस 250% का तब बढ़ा था, तो अगर हम उस पर और ज़्यादा काम करें तो भारत के साथ बिजनेस और बढ़ेगा। और भारत के साथ वो बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं, एक तो ग्रोथ भारत की बहुत अच्छी है, दूसरी भारत में डिमांड बहुत है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भारत में डिमांड है सबसे ज़्यादा, तो डिमांड भारत में ऑयल की ही है। रशिया हमें इतना ज़्यादा ऑयल सेंड कर रहा है, एक टाइम ऐसा हो गया था कि हम रशिया से ही सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहे थे, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा रुपए को प्राइस को लेकर थोड़ा सा फ़र्क आया। पहले मैं रशिया बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता था, अब उसने जब से मैं डिस्काउंट कम किया तो हम अब दूसरी जगह से भी परचेज करना स्टार्ट कर दिया हमने ऑयल, जिससे अब हमारी उतनी परचेजिंग नहीं होती जितनी एक टाइम पर हो रही थी। तो दोस्तों ये रशिया को दिख रहा है कि भारत में अगर डिमांड है तो उसकी वो सप्लाई कर सकते हैं रशिया वाले, और जब वो सप्लाई करेंगे तो उनको एक मार्केट मिल गया, वो हमसे अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे, प्रॉफिट उनको होगा, बिजनेस होगा और साथ में प्रॉफिट होगा। तो इसलिए वो इस भारत रशिया इंडिया को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरा अपना एक ऑफिस खोल रहे हैं। अब दोस्तों समझते हैं इन सब चीज़ों का फ़र्क जियोपॉलिटिक्स में क्या होगा, चाइना के साथ रिलेशन में क्या होगा। भारत दोस्तों ऐसा समझ लिए, भारत यूएन में 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, उसमें से 2 ऐसे मेंबर हैं जो हमारा साथ देते हैं, भारत का साथ देते हैं, एक है रसिया दूसरा है फ्रांस। अगर किसी भी मुद्दे पर हम फंस जाते हैं तो रसिया से हम वीटो करवा लेते हैं, रसिया हमारा सपोर्ट करता है यूएन में, तो एक तो ये चीज़ हो गई। लेकिन एक जगह रसिया हमारा सपोर्ट नहीं करता है, वो है चाइना के केस में, जब भी हमारी चीज़ चाइना के साथ बातचीत आती है वहाँ रसिया हमारा सपोर्ट नहीं करता है, रसिया शांत हो जाता है, ना चाइना का सपोर्ट करता है ना हमारा सपोर्ट करता है। अगर उस जगह में वीटो करवाना होता है तो फिर हमको फ्रांस की मदद लेनी पड़ती है और फ्रांस उसमें वीटो करता है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ हमें वहाँ फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों अगर चाइना के साथ हमें अपने आप को मेंटेन करना है, थोड़ी सी दूरी अगर बढ़ानी है रसिया और चाइना के बीच में, तो हमें रसिया के साथ बिजनेस ज़्यादा करना पड़ेगा। एक समय अभी क्या है कि रसिया और चाइना का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, भारत उसके आसपास नहीं है अभी, लेकिन जब हमारा बिजनेस रसिया के साथ ज़्यादा होगा तो रसिया भी मजबूर हो जाएगा, वो चाइना को उतना सपोर्ट नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ देखने पर मजबूर हो जाएगा। और तो दोस्तों और चाइना को भी ये दिख जाएगा कि रसिया कहीं ना कहीं भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिजनेस जा रहा है भारत और रसिया के काफ़ी ज़्यादा ऊपर, तो भारत ऑब्वियस ही बात है जिससे ज़्यादा बिजनेस होगा तो अपने आप लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही चाइना की तरफ से शिफ्टिंग भारत की तरफ हुई रशिया की, ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखेगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। अब ये सोच लीजिए भारत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है रशिया के लिए, एक जगह है व्लादिवोस्तोक रशिया में, वहाँ से एक ये कॉरिडोर बना रहे हैं जो चेन्नई में आके मिलेगा, व्लादिवोस्तोक से इंडिया का चेन्नई जो पोर्ट है वहाँ तक के लिए एक रास्ता बना रहा है रशिया। एक तो ये, दूसरी चीज़ एक रास्ता बना रहे हैं ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से, जिसके लिए ये अजरबैजान की तरफ से ये लेकर आएंगे ईरान के रास्ते हुए, ये इंडिया के मुंबई पोर्ट की तरफ आएंगे, रशिया वो रास्ता भी बना रहा है। तो सोचिए दोस्तों जब भारत इम्पोर्टेंस रखता है तभी तो ये इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये जब ऐसा हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं चाइना को टैकल कर लेंगे, रशिया और चाइना के बीच में हम दूरी ले आएंगे और रशिया को अपने साथ ले आएंगे पूरी तरह से। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा और बिजनेस तो बढ़ेगा ही, लेकिन ट्रेड डेफिसिट में भी थोड़ी सी कमी आएगी ऐसा लग रहा है। दोस्तों अब इस पर और जो डेवलपमेंट होगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा और आपको अपडेट करूँगा इस पर।
धन्यवाद।